आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। दोस्तों ये बोनस शेयर देने में काफी बेहतरीन शेयर है और काफी अच्छा इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। 100 times का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को और बोनस शेयर भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे दे रहा है और आने वाले समय भी ये अच्छा रिटर्न मल्टीबैगर रिटर्न क्रिएट करके देगा। ये स्टॉक मैंने पहले भी बताया था और आज भी ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से तो ये स्टॉक देखिए लगातार अप ट्रेंड में रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा रैली कर 100 times रैली करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन 2018 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है लगभग 270-60 पर आने के बाद फिर से यहाँ जबरदस्त रैली दिखाया लगभग 950 रुपीज तक। तो दोस्तों इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने और इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है आपको रिटर्न देने का जबरदस्त। चार्ट काफ़ी सॉलिड है, यहाँ पर काफ़ी 100 times जाने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेशन के बाद फिर जबरदस्त रैली किया। देखिए मात्र यहाँ 7-8 रुपीज़ से ये रैली स्टार्ट हुआ था और वहाँ से ये स्टॉक ने 700 रुपीज़ का 7 रुपीज से 700 रुपीज का रैली किया। अब यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो एग्जैक्ट 7 रुपीज 15 पैसा, यहाँ पर देखिए 715 रुपीज़ लगभग डायरेक्ट 100% का रैली के बाद ये स्टॉक ने यहाँ पर करेक्शन किया और ये करेक्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त था। 50% से भी ज़्यादा का करेक्शन दिखाया और 50% से ज़्यादा के करेक्शन के बाद यहाँ से लगभग फिर से ये स्टॉक अलग अलग रैली किया यहाँ पर। तो इस बेहतरीन स्टॉक का नाम है हैटसन एग्रो प्रोडक्ट। ये डायरी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी और काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस कर सकते हैं skinner.in पे। अगले वीडियो किसी वीडियो में हम आपको skinner.in पे आप कैसे किसी शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। कि हैटसन एग्रो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिल्क बनाती है, मिल्क प्रोडक्ट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। करंट जो मार्केट कैप है कंपनी का 20,000 करोड़ है और यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 20%। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल जो फंड है कंपनी के पास उस पर रिटर्न कितना है, मतलब जो कंपनी लोन ले रखी है और प्लस जो सारे शेयर होल्डर का प्रमोटर का सारा जो कैपिटल है उस पर कितना रिटर्न दे रहा है कंपनी, 20%, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो शेयर होल्डर फंड पे 25%, तो 20% 15% कई सारे के 30% आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये एवरेज रूप से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। इतने मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद फिर भी देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 0.3% का डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का, जो कि काफ़ी सॉलिड है। प्रमोटर्स का स्टेक 74.1% है और इसमें से मात्र 1.55% शेयर प्लेज है, जो कि नहीं के बराबर है। और यहाँ डेट टू इक्विटी देखिएगा 1.28 का है, तो डेट टू इक्विटी काफ़ी बेहतरीन है, मतलब जो डेट है कंपनी के ऊपर इक्विटी के कंपेयर में 1.28 times है। और रिजर्व की बात करें 1,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी का रखा है 8.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का रखा है कंपनी और टोटल जो डेट है कंपनी के पास 1,300 करोड़ का डेट है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 246 करोड़ का, तो नेट प्रॉफिट 246 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इन सभी पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। वहीं आप चाहे तो पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जो पीयर्स हैं इनके और उसके कंपेयर में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर पी है 82 का, जबकि अभी भी स्टॉक ये आपको सस्ता दिखेगा अपने कई सारे पीयर से। देखिए वरुण बेवरेज 85 का पी है और इसका जाइडस वेलनेस इसका थोड़ा सा कम है। वहीं हिंदुस्तान फूड का कहें 116 का पी है, तो इससे काफ़ी मतलब सस्ते प्राइस में मिला है। टेस्टी वाई 99 का पी है, मिसेज बैक्टर इसका मात्र 34 का पी है, तो ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है पी के हिसाब से। वही रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड की बात करें, 3 साल का जो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड है 16% है और देख लीजिए किसी से मतलब कुछ खास कम नहीं है, थोड़ा सा हिंदुस्तान फूड से थोड़ा सा कम है, KRBL से थोड़ा सा कम है, टेस्टी वाइट से थोड़ा सा ज़्यादा कम है। तो मतलब हर रूप में एवरेज रूप से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और चार्ट पे तो रिटर्न काफ़ी बेहतरीन दिया ही है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी आपने देखा 1.28 है, तो थोड़ा सा डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और वेल एस्टेब्लिश्ड है अपने सेक्टर में, तो निश्चित रूप से कंपनी अपना जो डेट वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में पे करेगी। वही प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पर देख लीजिए 2010 में मात्र 1141 था, जो कि बढ़ के हो गया 5570 करोड़ का
कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 2010 में 6% था, जो कि लगातार बढ़ते गया और 14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। देखते हैं 14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी काम कर रही है, तो जो कि काफी सॉलिड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का। उसके बाद बात करते हैं तो कंपनी का जो 2010 में नेट प्रॉफिट था मात्र 3 करोड़ का था, जहां से ये प्रॉफिट बढ़कर के हो गया 246 करोड़ का। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ से बढ़कर के 246 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि काफी बड़ा जंप किया है इसका प्रॉफिट भी। इतना बड़ा जंप के कारण कंपनी जो एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। वही बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पर देखते हैं शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ा है बोनस शेयर के कारण। रिजर्व जो है कंपनी का वो लगातार बढ़ते गया, 1000 करोड़ हो चुका है। कंपनी के पास जो डेट है वो भी लगातार बढ़ा है। उसके बाद कैश फ्लो की बात करें, कंपनी का कैश फ्लो कई बार पॉजिटिव रहा है, कई बार निगेटिव रहा है। ओवरऑल कंपनी का जो कैश फ्लो है वो ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पर है। कंपनी में प्रमोटर के स्टेक की बात करें, कंपनी में प्रमोटर के स्टेक हमेशा बढ़ाया गया है। देखते हैं 74% हो चुका है, जो कि 2 साल पहले 73.68 है। मतलब कंपनी को लेकर के प्रमोटर्स अभी भी काफी पॉजिटिव है। इतने मतलब शेयर प्राइस के मूव करने के बाद प्रमोटर इसमें लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ प्रमोटर स्टेक बढ़ाया आपको सितंबर 2020 में, तो यहीं पर इंडिकेट मिलता है कि आने वाले समय में शेयर प्राइस काफ़ी मूव करने वाले हैं। और इसमें FIs का स्टेक 3.5 है और DIs का स्टेक 6.55% है और पब्लिक का 15.88% है। ये ओवरऑल था कंपनी का जो बिजनेस है। और कंपनी के बिजनेस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कंपनी के जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। कंपनी कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, वो कहां कहां सेल करती है, कहां कहां मार्केट पर पकड़ है कंपनी का, कौन सा प्रोडक्ट है मार्केट में अच्छा सेल रखता है, उन सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी की वेबसाइट पर। तो देखिए 6.25 लाख फार्मर्स इंडोल, 10,000+ हेडसन मिल्क बैंक्स, इतना बैंक है कंपनी का, इतना व्हीकल 5000 व्हीकल है, 5000 से अधिक। 32 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड एवरी डे, 20 प्रोसेसिंग प्लांट है कंपनी के पास, 10,000+ इम्प्लॉयज है कंपनी के पास। सारी चीज़ें आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी यहाँ पर। देखिए 3500 जो है ओन्ड आउटलेट्स है, मतलब अपना आउटलेट जो है 3500 है, और जो एसोसिएटेड है, जो इतना रिटेल एसोसिएटेड है, प्लस जो है एसोसिएटेड रिटेल आउटलेट्स है, इतना फ्रिज है 52,000 फ्रिज है, 20,000+ कूलर्स है। और यहाँ पर देखिए आवर ब्रांड ऑपरेट्स इन 42 कंट्रीज में जो है हेडसन के जो ब्रांड है वो ऑपरेट हो रहे हैं। और कंपनी के जो कुल 50 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। यहाँ देखिए इट्स 50 ईयर्स जर्नी हेडसन एग्रो प्रोडक्ट 1970 से 2020, अभी कुल 50 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी के। तो इतनी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके इस स्टॉक ने दिया है। इस कंपनी के जो सारे ब्रांड है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कंपनी के सारे ब्रांड है यहाँ पर देख सकते हैं, सारे ब्रांड आप देख सकते हैं, जो कंपनी के जो प्रोडक्ट के ब्रांड है जो कि मार्केट को लीड करता है। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन था इस कंपनी के बारे में। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न देगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में।